हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मुझे जबकि इतना पसंद आया तो आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आया। मैं आज बात कर रही हूँ ये फिट मी लाइनर के बारे में, जो कि मार्केट में अभी नया लॉन्च हुआ है। और जब मैं मार्केट में कुछ कॉस्मेटिक ही खरीदने के पर्पज से गई थी तो मुझे ये वहाँ पर दिख गया, तो मैंने सोचा कि इसको खरीदना तो बनता है। और इसके अंदर का ही ये पैल लाइनर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया था। मुझे एक फंक्शन में जाना था तो मेरे पास लाइनर मुझे नहीं समझ में आया था कि मैं कौन सा यूज़ करूँ। तो मुझे जब ये दिखा तो मैंने फटाफट से इसको बाय कर लिया। और इसको यूज़ भी करना गाइस बहुत इजी है। इसके टेक्सचर की बात करें तो मैं आपको इसको यूज़ करके भी बताऊंगी। इसका जो शेड है काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटिंग शेड है, डार्क कलर के, डार्क ब्लैक कलर में आपको ये मिल जाएगा। और बहुत ही स्मूथ चलता है। इसको आप जब अपनी आईज पे लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से विंग्स लाइनर, जो भी आपको जिस तरीके का भी लाइनर लगाना आपको पसंद है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। यहाँ पे साइड में मैं आपको छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही इसी तरीके से कोशिश की विंग लाइनर बनाने की, जो कि बना भी है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो बहुत ही ईजी हो जाता है इसको लगाना। साथ साथ इसकी पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी सुंदर पैकेजिंग में इसको पैक करके दिया है। एंड सारे इंस्ट्रक्शंस भी, इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शो कर रखे हैं, सारे मेथड इसमें बता रखे हैं कि किस तरीके से ये बना है, किस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग भी है। और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी लाइनर है, क्योंकि मैंने इसको लगाया तो आराम से 5 से 6 घंटे स्टे कर जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मुझे रिमूव ही करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आप लाइनर है या आईज मेकअप कोई भी कर रहे हो उसको लगा के बिल्कुल भी ना सोएं, आराम से इसको रिमूव कर दें। और ये ईजिली निकल भी जाता है, आप कोकोनट ऑयल से निकाले या फिर कोई भी रिमूवर जो आप यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसके कॉस्ट की बात करें तो ये 80 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी इसमें, जो 80 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है। अगर आप ऑफलाइन परचेज़ करेंगे तो भी आपको 80 रुपीज़ का मिलेगा। ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो मुझे उसका रेट नहीं पता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन इसको नहीं मंगाया। मुझे ऑलरेडी ये मार्केट में मिल गया तो मुझे काफ़ी पसंद आया और मैंने इसको फटाफट से ख़रीद लिया। और मैंने इसको यूज़ भी किया, इसको लगाना भी बहुत ईजी है, इसका स्टे पावर भी बहुत अच्छा है। साथ साथ ये डार्क ब्लैक कलर में है एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसको आराम से पैन में डाल सकते हो। अगर आप कोई मेकअप किट बनाना चाह रहे हो तो इसको आप बाय कर सकते हो, ये आपके मेकअप किट में आराम से सेट हो जाएगा। 80 रुपीज़ में गाइज और आपको क्या मिलेगा, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, इसको परचेज़ करना और इसके बाद मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपको ये कैसा लगा। इतने कम रेट में अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो गाइज मैं तो बोलूँगी कॉस्मेटिक में, वो भी ब्रांड की, तो फटाफट से ख़रीद लिया करो और उसको एक बार ज़रूर ट्राई किया करो। क्योंकि महंगे जब भी कोई ब्रांड की छोटी मिनी चीज़ें निकालते हैं ना, तो उसको ट्राई करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम जब ज़्यादा पैसे डालते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता है। और पहली बात तो जो हम ब्रांड नया यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है किसका स्टे पावर कितना है, ये हमारी स्किन पे सूट करेगा कि नहीं। तो इस तरीके से जो भी मिनी मिनी चीज़ें निकालते हैं वो लोग, चाहे मिनी फाउंडेशन का सैसे हो, चाहे लिपस्टिक का सैसे हो, चाहे ये लाइनर का सैसे हो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है ट्राई करना। और साथ साथ आपका मेकअप का जो एक लुक होता है, जो बेस होता है, वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है मेकअप, क्योंकि ब्रांड की चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। तो ये था छोटा सा हेल्पफुल सा रिव्यू गाइज। अगर पसंद आया तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।